हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं दो बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जिसका असर उनके इस मंथ की सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दो बड़ी खबरें देने वाला हूँ। पहली बड़ी खबर होगी आपकी 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर, साथ ही साथ दूसरी बड़ी अपडेट्स आ रही है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी कि मेडिकल चिकित्सा भत्ता जो आपको 1000 रुपये के रूप में मिलता है, उस पर भी मैं एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। तो पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम पे 18 मंथ से डीए और डीआर का एरियर्स आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया था। उसके बाद में कर्मचारियों की यूनियंस, फेडरेशंस और जो भी यूनियंस थी वो लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी कि उनको 18 मंथ का डीए और डीआर का एरियर्स प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि उन्होंने सरकार से, गवर्नमेंट से बोला है कि गवर्नमेंट जो है सेटलमेंट या नेगोशिएशन की सिचुएशन में आए, जिससे कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो 18 माह का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उनको मिल सके। हालांकि गवर्नमेंट ने रिटर्न जवाब में भी ये बोला था कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि कोविड टाइम पे वो फ्रीज किया गया था, उसके रिगार्डिंग लेटर भी निकाला गया था। अब आगे देखने वाली बात होगी क्या सरकार नए साल में जो है तोहफे के रूप में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स उनके खातों में पहुँचाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खातों में 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आपके खातों में पहुंचे, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और दूसरी चीज़, दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ लेकर चलते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर। उसके आपको सभी को पता है कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जो भी नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहते हैं उन सभी को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में 1000 रुपये उनके खाते में पहुँचते हैं। लेकिन अब जैसे कि मेडिसिन के खर्चे बढ़ रहे हैं, ओपीडी मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, जिसके चलते पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1000 रुपये काफ़ी कम पड़ते हैं। तो ऐसे में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार जो है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के 1000 रुपये को बढ़ा करके 3000 रुपये करें। हालांकि ये मैटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास भी गया था और वहाँ से जवाब में ये आया है कि जवाब में ये सारी बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें मेन चीज़ें बता देता हूँ कि उन्होंने बोला है कि मैटर अंडर कंसिडरेशन है, जब जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल